कला भवन पूर्णिया में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। विधानसभा निर्वाचन में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को किया गया पुरस्कृत। पूर्णिया के कला भवन में सोमवार को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। जिला पदाधिकारी राहुल कुमार एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर 18 वर्ष पूरा करने वाले नए मतदाताओं को नया मतदाता पहचान पत्र दिया गया और 2020 में विधानसभा निर्वाचन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को भी जिला पदाधिकारी के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार आपका मतदान है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी किया कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है उन्हें अवश्य अपना नाम सूची में जुड़वाना चाहिए। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया और मतदान करने की शपथ भी दिलाई। वहीं मतदाता जागरूकता अभियान के आइकॉन काजल लकड़ा को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित अपर समाहर्ता महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, जिला स्तरीय सभी पदाधिकारीगण, उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूरे जिले से यहाँ आए हुए बीएलओगण एवं हमारे 9 मतदाता जिनको आज हम लोग एपिक कार्ड वितरित करेंगे, मीडिया के बंधुओं, आप सभी को पता है कि हर एक वर्ष 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी तिथि को 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था और इस अवसर पर विगत 11 वर्षों से हम लोग नेशनल वोटर्स डे का आयोजन करते हैं और इस अवसर पर हम सभी निर्वाचकों को, जो वोटर्स हैं, उन सबसे अपील करते हैं कि संविधान के द्वारा प्रदत्त जो ये शक्ति है आप सभी लोगों के पास, इसका आप लोग सूझबूझ और विवेक के साथ इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल जरूर करें। मतदाता दिवस के अवसर पर मैं हमारे देश के सभी मतदाताओं को शुभकामनाएं देता हूं। हम आशा और विश्वास के साथ नए दशक की शुरुआत कर रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सदैव इस बात पर बल दिया गया है कि प्रत्येक मत महत्वपूर्ण है और चुनाव आयोग की निरंतर यही प्रयास रहा है कि कोई मतदाता ना छूटे। ये दिन हमें मतदाता के अधिकारों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 के लिए रखा गया थीम है, मतदाता बने सशक्त, सुरक्षित, सतर्क और जागरूक। आप में से काफी लोग ये बात जानते होंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना भारत को गणतंत्र दिवस घोषित करने से एक दिन पहले अर्थात 25 जनवरी 1950 को हुई। तब से 70 साल का समय बीत चुका है। लोकसभा के 17 आम चुनावों के साथ साथ राज्यसभाओं के अनेक चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं। भारत में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, समावेशी और सुगम रूप से आयोजित किए जाते हैं। कोविड-19 की महामारी ने इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया, वह है सुरक्षित चुनाव। मतदाता के स्वास्थ्य की सुरक्षा और उनके मताधिकार के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना आयोग के लिए वास्तव में एक ध्रुव चुनौती है। 11 वर्ष से यह आयोजन किया जा रहा है और इस अवसर पे जो नए वोटर्स हैं उनके बीच में एपिक का वितरण किया गया है। जो बीएलओ अच्छा काम किए थे विधानसभा निर्वाचन के दौरान उन्हें सम्मानित किया गया है और मतदाता जागरूकता के संदर्भ में कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।